नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है म्यूटोन अकेडमी बाई डी एस सर चैनल पे। बच्चों, आप लोगों ने सभी ने चैनल को इतना प्यार दिया, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अपन बात करेंगे म्यूटोन अकेडमी पे विभिन्न एग्जामों की बात करेंगे अपन। जैसे मेरे पास बच्चे बोल रहे हैं कि सर नीट के लिए बताओ, जो नीट के जो मेरे ड्रॉपर स्टूडेंट है या जो मेरे से अटैचमेंट हैं, उनकी डिमांड पर आज अपन नीट के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे या नीट के ऊपर अपन बात करेंगे, क्योंकि नीट का लास्ट का टाइम चल रहा है। क्योंकि आपको पता है 17 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो बच्चा डिप्रेस आ रहा है, तो आज उससे संबंधित अपन बात करेंगे नीट के लिए। तो सबसे पहले तो मैं सभी नीट एस्पिरेंट को बताना चाहूँगा कि ये जो टाइम चल रहा है, ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। इस टाइम में अपना पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि इस टाइम में आपका जो एनवायरमेंटल है वो भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जैसे बाकी टाइम में तो एग्ज़ाम मई में होता था, इस बार एग्ज़ाम जुलाई में होगा। लगभग कोचिंगों में जैसे कोटा, सीकर, जयपुर, सभी में सिलेबस हो चुका है भाई। अब सिलेबस के बाद स्टूडेंट के सामने समस्या आती है कि उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं होता। सर्दियों में तो उसकी बढ़िया पढ़ाई होती रहती है, इसलिए रिवीजन होता है। और गर्मी का जैसे जैसे टाइम पीरियड आता है, ये मौसम भी थोड़ा ऐसा हो जाता है कि इसमें पढ़ने का मन भी कम करता है, तो बच्चा डिप्रेस हो जाता है। तो आज अपन इसके लिए, नीट के लिए अपन बात करेंगे कि आप कैसे अप्रिशिएट हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये अपना आज का मोटिवेशनल कोर्स है कि भाई मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो बच्चों आओ अपन नीट के लिए बात करते हैं। देखो, इस बार का मैं बोल दूं, नीट 2022 का जो एग्ज़ाम है, नीट 2022 का वो एग्ज़ाम आपको सभी को पता है, उसकी डेट क्या है, 17 जुलाई। डेट क्या है उसकी, 17 जुलाई। अब देखो इस बार का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न की बात कर लो या मैं एग्ज़ाम की बात कर लूँ, आपको पता ही है नीट का 200 क्वेश्चन आते हैं टोटल। कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे। देख बेटा इधर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 200। ये 200 क्वेश्चन हो गए, तेरे को इनमें से अटैम्प्ट करने हैं केवल 720 मार्क्स के। मतलब अटैम्प्ट कितने करने हैं इनमें से, 180 अटैम्प्ट करने हैं, 180। ये तो बात हो गई। और टाइम भी तेरे को पता है, इस बार तेरे को एनटीए ने टाइम बढ़ा के दिया है भाई, 3 घंटे 20 मिनट का तेरे को टाइम इस बार मिलेगा। अब देख तू पेपर को हैंडल कैसे करेगा, इसकी बात कर लेते अपन। देख, ये तेरा एग्ज़ाम का पेपर तेरे को पता है 3 हिस्सों में होके आता है, बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लास्ट का अपना टॉपिक है बायोलॉजी का। या मैं बोल दूँ बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दो भाई, जूलॉजी बॉटनी, ये ले जूलॉजी, और जूलॉजी हो गया और ये बॉटनी हो गया। अब तेरे को पता है कि जो 200 क्वेश्चन के हिसाब से पेपर बन के आएगा, 200 क्वेश्चन के हिसाब से पेपर बन के आता है, हर एक पार्ट से कितने आएंगे, 50-50 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे टोटल क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन आएंगे। ये ले भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ भी 50 आएंगे, यहाँ भी 50 आएंगे, यहाँ भी 50 आएंगे और यहाँ भी 50 आएंगे। और तेरे को हर एक पार्ट में क्वेश्चन करने हैं। अब देख, 50 क्वेश्चनों को भी 2 भागों में बांटा है, 50 क्वेश्चनों को भी 2 भागों में पिछले साल से इसने पैटर्न 35 ए में किए हैं और 15 बी में किए हैं। इसी प्रकार 35 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 35-15 का रेशियो रखा है इसने, 35-15 का रेशियो रखा है। जो सेक्शन ए है 35 वाला, ये तेरे को कंपलसरी है भाई, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। और लास्ट वाले जो ये 15 क्वेश्चन है, इनमें से तू कितने अटैम्प्ट कर सकता है, 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तेरे को, और इनमें भी तेरे को अब की बार 20 मिनट का तेरे को टाइम एक्स्ट्रा मिला है। तो सबसे पहले आप लोग पेपर को देखो किस प्रकार से हैंडल करोगे, अपन आज उसकी बात करते हैं, पेपर को हैंडल करने की बात करते हैं। सबसे पहले तो देख, फिजिक्स लगभग कोचिंगों में सभी में, ड्रॉपर स्टूडेंट की बात करूं या मैं फ्रेशर की बात करूं, सबका सिलेबस फिजिक्स का खत्म हो चुका है। अब फिजिक्स में तेरे पास, फिजिक्स को तेरे को अगर तैयार करना है, जो नीट लेवल की फिजिक्स आती है, सबसे पहले तो तू थ्योरी पढ़। थ्योरी पढ़ने के बाद तेरे खुद के शॉर्ट नोट्स बना, जिसमें केवल फॉर्मूला होगा या जैसे ग्राफ लग रहा है या कोई
डिफ्रेंशिएट हो रहा है या कोई इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है उसका तेरे पास डायरेक्ट लिख, यहाँ पर ये मेथड लग रहा है जो बेसिक मैथमेटिकल है उसकी अप्रोच भी तू सीख ले। अगर उसकी अप्रोच सीख लेगा फिजिक्स में तो फिजिक्स तेरे को बहुत आसान लगेगी। नीट का जो बच्चा है उसके सामने दिक्कत आती है कि सर हमारा फिजिक्स में स्कोर नहीं हो पाता। फिजिक्स में स्कोर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनकी फिजिक्स वीक होती है, वीक इसलिए हो पाता क्योंकि उनकी मैथ वीक होती है। क्या वीक होती है? मैथ। और आपको पता है फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है? मैथ। फिजिक्स किस में बात करती है? मैथ में बात करती है। तो सबसे पहले तू सारी की सारी जो बेसिक मैथ है, मैं बोल दूँ फिजिक्स में जो भी अप्लाई हो रही तेरे लेवल पे ज़्यादा बेसिक मैथ, इसको सीख ले एक बार बढ़िया से, चार पाँच दिन में आराम से यूट्यूब वगैरह से वीडियो देख के बढ़िया बढ़िया टीचरों के यहाँ से इसको सीख ले। इसको सीखने के बाद तू हर टॉपिक पढ़, रोज का टारगेट कर, रोज का टारगेट कर। जैसे आज के हिसाब से अपन बात करें तो लगभग आपके पास जून बच रहा है, 16 दिन जुलाई के बच रहे हैं और इस महीने के 15 दिन बच रहे हैं, 2 महीने का टाइम पीरियड है। और फिजिक्स में तेरे लगभग 30 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर? लगभग 30 चैप्टर हैं। और तेरे पास दिन कितने बच रहे हैं? 60 दिन। मतलब तू हर एक 2 दिन में एक चैप्टर तैयार कर सकता है, लेकिन तेरे को ऐसा नहीं करना है, तेरे को हर एक दिन में एक चैप्टर तैयार करना है। लास्ट के 30 दिन तेरे को रिविजन के लिए बचाने हैं। अब देख, तेरे को सीट के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है ज़्यादा, केवल एग्जाम एक्सरसाइज करनी है भाई। लास्ट ईयर सबसे पहले तो आपको 5 साल के क्वेश्चन करने हैं, 5 साल के हो गए, उसके बाद 7 के कर ले, 7 के हो गए, उसके बाद एक जेई मेन का एग्जाम होता है जो भी एनटीए कंडक्ट करती है उसकी फिजिक्स की क्वेश्चन अप्रोच कर 5 साल के, अगर टाइम बचता है तो। सबसे पहले तू क्या करेगा, ये जो 30 चैप्टर हैं रोज का, हर रोज एक चैप्टर पढ़ना है तेरे को, हर रोज एक चैप्टर को तेरे को पढ़ना है, या मैं बोल दूँ हर रोज तेरे को एक चैप्टर पढ़ना है। बढ़िया से तेरे को रफ कॉपी में मेहनत करनी है भाई, फॉर्मूला भी लिखेगा तू, मैथमेटिकल अप्रोच भी लिखेगा, तेरी ट्रिक भी अप्लाई करेगा और साथ में क्वेश्चन करेगा। अब तेरे बना शॉर्ट नोट्स, इस क्या बना ले? शॉर्ट नोट्स। क्या बना ले? शॉर्ट नोट्स बना ले। और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद हर एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन कर, हर एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन कर, उसके बाद डायरेक्ट तू एग्जाम एक्सरसाइज लगा ले। बस इतना काम करना है, मतलब तेरे को रोज 2 से 2.5 घंटा फिजिक्स को देना है भाई। ये बात हो गई फिजिक्स की। और फिजिक्स में भी सबसे पहले तू चैप्टर पढ़ेगा, जैसे हीट पढ़ेगा, या मैं बोल दूँ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेगा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेगा, ये हाईली वेटेड, या मैं बोल दूँ सेमीकंडक्टर पढ़ेगा, वैसे सेमीकंडक्टर तो इसी में आ गया, सेमीकंडक्टर तू पढ़ेगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ जैसे वेव पढ़ लेना भाई, वेव थ्योरी, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आता है भाई। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल जो मोशन है इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आता है। सेंटर ऑफ मास, ये तो इसी में आ गया, इसी को पढ़ लेना। मैकेनिक्स से आजकल क्वेश्चन का वेटेज कम हो गया है। अब बात कर ले तेरा जो मतलब 12th की फर्स्ट किताब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन है वो तैयार कर ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है वो तैयार कर ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तैयार करने के बाद तो इसी में कैपेसिटर भी हो गया तेरा, कैपेसिटर भी हो गया। मॉडर्न फिजिक्स तैयार कर ले, मॉडर्न तैयार कर ले, मॉडर्न फिजिक्स हो गई ना, मॉडर्न तो हो गई। इसके बाद जो तेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसको तैयार कर ले, करंट इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के बाद तू EMI कर ले, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट करंट, उसके बाद तू MI कर ले, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर ले, करंट इलेक्ट्रिसिटी, EMI कर ले, उसके बाद तू AC कर ले या MSC कर ले, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये तेरा फिजिक्स का सिलेबस है। बस सबसे पहले जैसे मॉडर्न तैयार कर लिया, हीट सबसे पहले, नीट में अगर तेरे को सिलेक्ट होना है तो कम से कम तू 30 से 32 क्वेश्चन का जुगाड़ कर। और सबसे पहले तो फिजिक्स में जो भी टीचर के पास तू पढ़ा है उसके जो नोट्स हैं उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं उनको डायरेक्ट, उनके जो डेरिवेशन है, रिजल्ट है, उनको डायरेक्ट याद कर और उसके ऊपर फॉर्मूला लगा, क्वेश्चन कर। क्योंकि नीट का पेपर मैंने देखा है, जहां तक मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में, वहां पर उन मतलब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं उनसे अप्रोच करवाना चाहता है क्वेश्चन। थोड़ा सा बेसिक मैथ अप्लाई करने लगा है आजकल, लगभग 25 क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, जिसमें ग्राफ का आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, वो तो तेरे गलत होने नहीं चाहिए भाई अगर तू सेलेक्ट होना चाहता है तो फिजिक्स में। ये तो बात हो गई तेरी फिजिक्स की। अब ले थोड़ी बहुत बात केमिस्ट्री की कर लेते हैं, तेरे को बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। अब केमिस्ट्री की बात कर ले, देख केमिस्ट्री की बात कर ले भाई, 2 महीने का टाइम पीरियड बच रहा है, सबसे पहले तू केमिस्ट्री में तैयार करेगा किसको? इनऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक को तैयार करेगा और छोड़ेगा नहीं इनऑर्गेनिक को तैयार करते ही।
साथ साथ रोज़ इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और रोज़ रिवीजन करेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको बार बार रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे तू सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ले, पी ब्लॉक पढ़ ले, डी ब्लॉक पढ़ ले, एस ब्लॉक पढ़ ले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ ले, ये सारे चैप्टर पीरियोडिक पढ़ ले और इसके बाद शॉर्ट नोट्स अप्रोच कर। शॉर्ट नोट्स अप्रोच करने के बाद रोज़ रात को सोने से पहले इसका रिवीजन कर, फिर देख रिजल्ट। और ऑर्गेनिक का रोज़ का एक चैप्टर तैयार करता रहे भाई, तैयार करने के बाद सारी की सारी जो रिएक्शन है उनको डायरेक्ट की पॉइंट लिख, उनके क्या लिख, की पॉइंट लिख, की पॉइंट से ऑर्गेनिक तैयार हो जाएगी। और फिर फिजिकल में बढ़िया मेहनत कर, फिजिक्स की तरह फिजिकल में भी तू सबसे पहले बेसिक मैथ अप्लाई कर, उसके बाद सारा काम कर। अब देख नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायरेक्ट बायोलॉजी की। देख भाई बायोलॉजी में तेरे को बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। बायोलॉजी में अगर तेरे को बायोलॉजी तैयार करनी है तो बायोलॉजी तैयार करने का सबसे अच्छा मैं कहूँ, रोज़ सुबह 4 बजे उठे, 4 बजे का जो टाइम है उसमें इस नेचर में बढ़िया हार्मोन सीक्रेट होते हैं। उस टाइम इंसान के माइंड की जो एफिशिएंसी होती है वो लगभग 100% के अप्रोच जाती है। उस टाइम तू बायोलॉजी के रोज़ के 2 चैप्टर पढ़, रोज़ के 2 चैप्टर तू पढ़ेगा। और पढ़ेगा ही नहीं, उनके डायरेक्ट क्वेश्चन कर, या तो तू मैं बोल दूँ जो फिंगर टिप्स ऑफ एनसीईआरटी है वो कर ले, या फिर जैसे डॉक्टर अली है डॉक्टर अली लगा ले या एनसीईआरटी फिंगर टिप्स लगा ले। और इसके भी भाई शॉर्ट नोट्स बनाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, बिल्कुल इजी पेपर आता है, लड्डू पेपर, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, सारे के सारे एग्जांपल याद कर, सारी की सारी जो भी मतलब क्या बोलते प्रोसेसिंग सिस्टम है, जैसे अब की बार उठाया था कहाँ से उठाया था उसने पूरा पेपर, लगभग पेपर जेनेटिक्स इनसे उठाया था, बायोटेक वगैरह से, ये पोर्शन तैयार कर स्ट्रॉन्ग। प्लांट फिजियोलॉजी को बढ़िया टाइम दे, इकोलॉजी को बढ़िया टाइम दे, साथ में इनका बार बार रिवीजन कर, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब बात आती है जो लोग डिप्रेशन में है, भाई तुम क्यों डिप्रेशन में हो, मेहनत कीजिए, दुनिया में मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है, मेहनत एक लास्ट हथियार है। काम के बारे में सोचिए मत, काम कीजिए और जैसे जैसे काम होता जाएगा आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। अब तुम गलती कहाँ करते हो, रोज़ शेड्यूल बनाते हो कि सर मैं इतने घंटे पढ़ूंगा या इतने घंटे पढ़ूंगी, बढ़िया से आप उस टाइम आपका माइंड अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में होता है। आप बोलते हो नहीं सर मैं एक दिन का 1 चैप्टर नहीं 3 चैप्टर करूँगा, ऐसा आप शेड्यूल बना लेते हो, काम हो नहीं पाता है, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3रे दिन नहीं होगा, अब माइंड फीडबैक देना स्टार्ट हो जाता है कि तेरे से पार नहीं पड़ने वाली, तेरे से ये काम नहीं होगा, तू डिप्रेशन में चलाता है। छोटे छोटे स्टेप बना कि मैं रोज़ को आधा चैप्टर पढ़ूंगा या ये टॉपिक पढ़ूंगा, आधा आधा चैप्टर पढ़ने के बाद तेरा खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, फिर तू खुद दो तीन चैप्टर एक दिन में अप्रोच करेगा। इस प्रकार से तेरे को तैयारी करनी है, बढ़िया तेरे को मेहनत करनी है, आराम से लड़ना है भाई, संघर्ष करना है, जिसका जितना बढ़िया संघर्ष होगा उसका रिजल्ट उतना ही बढ़िया आएगा। मैंने पहले कहा था कि मेहनत इतनी खामोशी से कर कि सफलता शोर मचा दे, चिल्ला मत कि डिप्रेशन में आ गया। क्या होता है भाई डिप्रेशन, कुछ नहीं होता डिप्रेशन ऑपरेशन, बढ़िया से एनर्जेटिक रहे, माहौल ऐसा है इसमें कूलर एसी वगैरह यूज कर सकता है तू, और सुबह जल्दी उठ, रात को अगर तेरी पढ़ाई नहीं होती सुबह जल्दी उठ, सुबह एनवायरमेंटल में थोड़ा ठंडा होता है, सुबह उठ के पढ़, शॉर्ट नोट्स बना और बढ़िया मेहनत कर। फिर भी कोई समस्या आए तो कमेंट करके बता देना भाई, तेरे साथ खड़ा हूँ, तू मेहनत तो कर एक बार। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय।